यो भाई लोग, कैसा आप सभी लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान। तो भाई लोग यार, कर दो यार वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को शो करने वाला हूँ एक बहुत ही मतलब के भूपे टाइप की मोटरसाइकिल। सबसे पहले मैंने बहुत दिनों से जो है नहाया नहीं हूँ, सबसे पहले तो नहाना भी है। आज मैं सोच रहा हूँ बीच पर जाने की दोस्तों, तो या मैं बीच पर जाने की सोच रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो भी पैंट्स हैं या सॉरी यार शूज शर्ट्स शॉर्ट्स, इसको रिमूव कैसे करते हैं यार, आई डोंट नो के वेस्ट टॉप्स नो टॉप यार, इनको रिमूव कैसे करते हैं दोस्तों कपड़ों को, आई डोंट नो। टी शर्ट मुझे यही करना नहीं आता दोस्तों, सब कुछ आता है। ओके। खैर मैं वैसे भी वहां जा रहा हूँ आज दोस्तों, क्या कहते हैं उसको, आज ये वाला बनियान पहन लेता हूँ और टैंक टॉप्स, या हाँ बनियान पहनता हूँ दोस्तों आज ब्लैक कलर का, और शॉर्ट्स पहनता हूँ ब्लैक से कलर की, और शूज ये ब्लैक ही अच्छे रहेंगे, और हैट्स हैट वैसे भी अच्छी लगती मुझे, और ग्लासेस आज बिल्कुल सिंपल बन के जा रहा तुम्हारा भाई। और बड़े दिन से कपड़े भी चेंज किया था, जरा बीच पे जाके जो मस्त थोड़ा मजा करना नहाऊंगा। और मैं किस पर जाने वाला हूँ, एक इंडियन मोटरसाइकिल आपने बहुत टाइम पहले देखी होगी, कोई हीरो होंडा वगैरह बनाती थी उसके ऊपर पूरी ब्रांडिंग नहीं दी गई कौन सी कंपनी की है वो, बट ओल्ड मोटरसाइकिल है बहुत ज़्यादा और इंडियन मोटरसाइकिल है, आप देख के जो है पहचान लोगे उसके ऊपर, उसका कलर भी कुछ अलग ही टाइप का है। ये खड़ी है, कुछ मुझे लाइट्स वाइट से पता चलता है इसकी, देख रहे हो कैसी है ये है भैया, फ्रंट से स्प्लेंडर जैसी है और पीछे से कुछ अलग ही टाइप की लग रही है, मतलब के पता नहीं भैया कौन सी है, देख रहे हो कैसी है, साइकिल टाइप की है दोस्तों, कैसी लग रही है यार एक बार कमेंट करके बताओ दोस्तों। खैर इसके साइलेंसर में जो भी साइलेंसर लगा रखा है ना दोस्तों, ये जो साइलेंसर लगा रखा है ना इसमें वो है, क्योंकि मैंने अलग से इसके अंदर जो है कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है दोस्तों बाइक के अंदर, और यही है पूरा पैकेज। एक टाइप की बहुत ही हल्की मोटरसाइकिल है और बहुत ही तेज है, बहुत हल्की भी है दोस्तों, बहुत तेज भी है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, बहुत हल्की भी और बहुत तेज भी है। वैसे मुझे एक पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लग रही थी, जहाँ तक मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे को लग रही थी एक इलेक्ट्रिक बाइक लग रही थी मेरे को। खैर चलाने का तरीका तो बहुत सही है मेरा, आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं कैसी मोटरसाइकिल चलाता हूँ, बट कोई बात नहीं। ओके चलिए चलते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से जा रहे हैं दोस्तों। ओके वैसे ज्यादा वो नहीं है, मतलब तेज मैं आराम टाइप के चला रहा हूँ, मैं ज्यादा आराम से चला रहा हूँ, ज्यादा तेज टाइप की नहीं चला रहा मैं गाड़ी को अपनी। ओके तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल के बारे में आप सभी लोगों को क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को, क्या आपने इस टाइप की मोटरसाइकिल देखी है कहीं पर, अगर देखी है तो एक बार कमेंट करके बताओ हाँ आरिश भाई ने वो देखी है, आज अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ मैं जा रहा हूँ भैया बीच पर नहाने। ये क्या ऐसा तो होना ही नहीं था, ये तो गलत चीज़ हो गई भैया, आगे गोल्डन कलर का मैंने ये भी लगवा रखा है, आई भी तो इंडिया से ही है, मस्त है वैसे तो। तू ही मेरी सब है, सुबह है तू ही दिन है मेरा, ए वक्त तेरे लिए मैं हूँ तेरा। इसको फिक्स कर दो दोस्तों, व्हीकल ऑप्शंस क्लीन व्हीकल फिक्स व्हीकल व्हीकल कलर मेन्यू में जाकर इसका कलर चेंज कर सकता हूँ क्या मैं, नो इसका एक ही कलर रहता है दोस्तों, एक ही कलर में अवेलेबल है, जोन सी भी बाइक है आई डोंट नो कि कौन सी।
आई डोंट नो कि गाइस कौन सी मोटरसाइकिल है, पर देख रहे हो कैसे खड़ी है, बिल्कुल अलग टाइप की है। चलो चलते हैं, हल्का सा नहाऊंगा मैं, बहुत दिन हो गए पानी में नहाया था ना, अब मैंने कहा समुद्र में नहाना है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। नया कल में मज़ा आया ना आज, चल बहुत नहा लिया, एक पानी सही तो झपका सही तो लेना था, अब गाड़ी का रिव्यू करना है, ऐसे वैसे नहीं है। चल हेलमेट लगा फटाफट, आ निकलते हैं। देख रहे हो दोस्तों, वैसे बाइक तो है ना बड़ी शानदार सी, और रात में एक बार मैं इसका लुक चेकआउट कराना चाहूँगा आप सभी लोगों को। ये है दोस्तों रात का लुक, देख रहे हो, ये है इसका रात का लुक, पूरी रोड कवर करती है, फ्रंट से कवर नहीं करती और कुछ नहीं दिखता है रात को उसका, सिर्फ इसकी चमक मारते हैं इसके शॉकर्स और इसके आगे पीछे की लाइट्स बस, और कुछ नहीं, या फिर जो एग्जॉस्ट एक्सटर्नल एग्जॉस्ट लगा हुआ ना वो चमक मारता है, और कुछ नहीं मारता दोस्तों चमक, सच में सच बता रहा हूँ। और इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी तुम्हारे ख्याल से दोस्तों? ओ तेरी, ये क्या हुआ? वैसे ज़्यादा उससे नहीं गिरा मैं, बहुत मतलब आराम से गिरा हूँ, ज़्यादा उससे भी नहीं गिरा मैं। अरे यार शिट 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 दोस्तों, इतनी भी वो नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा तेज चलाओ, आराम से चलानी चाहिए गाड़ी। अरे शिट यार, तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ दिन, और दिन करने के साथ साथ अब चलाते इस बाइक को, मैं एक टाइम के लिए इस बाइक को जो है फिक्स कर लेता हूँ। मोड मेन्यू मैक्स, ओके क्लीन व्हीकल फिक्स व्हीकल, ओके चलिए। फ्रंट से ओवरऑल लुक दिखा तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है, कुछ भी मतलब के वो आपको स्पेशल व्हीकल का फील नहीं देती है, भागने में तो काफ़ी सही है, बूस्ट तो है इसके अंदर, पर खैर दोस्तों एक टाइप की मेरे को वो फील आती है कि कभी कभी मेरे को कभी कभी आती है वो फील। ओ भाई देख रहे हो, मेरे को ये बाइक ना कभी कभी वो फील दिला देती है रुकने वाली। ओ भाई भयंकर, भाई क्या कर रहा है यार तू, रैपिड खाएगा क्या? रुक जा दोस्तों, पंगा जिसने तुम्हारे भाई से लिया ना वैसे तो गए नहीं, मेरी बाइक भी फट गई होगी, खैर कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है तुम्हारे भाई को इस बाइक के फटने का। दोस्तों अंतिम संस्कार तो करना ही था इस बाइक का, वही सही बेटा बाइक, ये ऐसी बाइक दोस्तों किसी को ना मिले, ना कुछ लुक ना कुछ, घटिया बाइक घटिया बाइक। ओ मैं कितनी दूर जाएगी रहा कलवा, कहाँ गई वो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वेयर इज दिस मोटरसाइकिल? आए बड़े आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले नेता, नेता है दोस्तों आग बुझाने वाले, बेवकूफ लोग ये बुझाएंगे आग अभी से है। दोस्तों मैंने ये ही बोला था कि जस्ट मुझे गाड़ी जो है पसंद नहीं है एंड ऑल दैट थिंग्स, बस ये हो गया, किसी घर में से गाड़ी चुरानी पड़ेगी मेरे को। अब यही दिन आ गए दोस्तों, अब ये दिन आ चुके हैं, अब तुम लोगों की वजह से मुझे दोस्तों यही दिन देखने पड़ेंगे। खैर मैं वाली गाड़ी चुरा कर भाग लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा इस गाड़ी के बारे में, पर मैं बता दूं दिस इज अ मस्ट फुली मॉडिफाइड का। ओ भाई क्या मस्त आग निकल रही है, ओ भयंकर की, बदन पे जैसे बिजली गिर गई है, कुड़ी मेरे दांतों के बीच फंस गई है, जो भी है वो सही है सही है सही है। अरे नहीं मुझे इसका गाड़ी का रुख बदलना पड़ेगा गाइस, वरना मैं गलत जगह गिर जाऊंगा, या मेरे को वेपन्स करने होंगे, गेट ऑल वेपन्स, ओके मैं उस गाड़ी की तरह थोड़ी ना हूँ दोस्तों। कहाँ गई गाड़ी वो,
जहाँ पर भी गई होगी दोस्तों, आई डोंट नो कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है भाई, तुम्हारा भाई बड़ा ही भयंकर बंदा है और देख रहे हो कितने आराम से जा रहा है। मैं सीधे इस एयरपोर्ट पे जाऊँगा भाई, मेरे से एयरपोर्ट पे जाने का मन है। ओके वैसे प्लेन बहुत नीचे नीचे उड़ रहे हैं वहाँ पे, पर एयरपोर्ट पे गया तो ये मिलिट्री जो फोर्स मेरे को पकड़ भी सकती है कि क्यों आ रहा है बंदर, क्यों मतलब क्यों और क्यों नहीं आ रहा है, वो 70 सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। कोई टेररिस्ट तो नहीं है ऐसे है। समुद्र देख रहे हो कैसा लगता है ऊपर से, भयंकर गहरा नीला सागर, यहाँ तक का डूंगा पानी नहीं, यहाँ पे ज़्यादा आगे जाके गहरा पानी है। यह है दोस्तों पूरा ओवरऑल लुक जब हम होता है किसी पैराग्लाइडिंग पर, ये पूरा लुक फर्स्ट पर्सन में। रोड से टैक्सी को बुलाऊंगा और चला जाऊंगा। ये क्या हुआ भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं दोस्तों, सच में मैंने कुछ किया भी नहीं, अपने आप से अपने आप ही हो लिए ये सब चीज़ें, और मैं नहीं करना चाहता था कि ये सब चीज़ें ऐसी हों बट सिल हुई। ओके तो तुम्हारा भाई उतर चुका है, अब एक गाड़ी लूटनी है दोस्तों किसी की। ये बंदा मर गया पर गाड़ी बहुत दूर जाएगी। ये बुलेट मिल चुकी है, ओ तेरी, ओ भाई ये गाड़ी वाला तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ बंद दिखा रहा था। तो दोस्तों बुलेट मिल चुकी है, मेरा तो इंतजाम हो गया घर जाने का, उससे तो अच्छी बाइक मिली है। हैं दोस्तों बुलेट कैसी तैसी फेर दी मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।